हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम ये चैप्टर खत्म कर चुके हैं, लेकिन हमारी एक्सरसाइज रहती थी तो करनी तो आपको ये खुद ही बुक में है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी गाइड कर देती हूँ जिससे आपकी गलतियाँ कम हो। लेकिन जब भी लेकिन फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लाइव क्लास जब भी आपकी होगी आप डिस्कस कर सकते हैं, और आप जब भी स्कूल आएंगे आपका सारा वर्क चेक होगा तो आपको ज़रूर करना है। बुक में पढ़ लेते हैं एक बार। ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि क्या कर सकती है, अभी हम पढ़ चुके हैं इसे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन कर सकती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स, सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, माइक्रोफोन है, स्पीकर है, यूपीएस है। अभी हमने सब में पढ़ा है इसके बारे में सभी वीडियोज में। सीपीयू में दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं एएलयू, एक होते हैं सीयू। जो माउस है वो क्या क्या एक्शन कर सकता है, क्लिक कर सकता है, डबल क्लिक कर सकता है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता है। माइक्रोफोन किस लिए इस्तेमाल होता है, हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, और स्पीकर उस साउंड को सुनने के लिए। यूपीएस कीप्स द कंप्यूटर ऑन, यूपीएस क्या करता है, कंप्यूटर को ऑन रखता है जब इलेक्ट्रिसिटी आपकी चली गई है। मॉडेम किस लिए काम आता है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए थ्रू इंटरनेट। और सीडी रोम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आउटसाइड द कंप्यूटर। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। ये देखिए आपको करना है टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, किस चीज से हम वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं आपको पढ़ा चुकी हूं मैं। डैश इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, कौन सा पॉइंट करने वाला डिवाइस है। देयर आर डैश शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड, कितनी शिफ्ट की होती है कीबोर्ड पर, बताया था मैंने आपको। फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं, ये आपको खुद करना है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत जगह लाइन लिखी है, आप खुद ढूंढ सकते हैं। डैश पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर स्टोर इंफॉर्मेशन, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। स्पेस बार इज द डैश की ऑन द कीबोर्ड, कैसी की है स्पेस बार, मैंने आपको बताया था। सॉरी। सीपीयू कंट्रोल्स ऑल द डैश ऑफ अ सिस्टम, सीपीयू क्या करता है कंप्यूटर पे, क्या कंट्रोल करता है। यूपीएस के फुल फॉर्म लिखनी है आपको, अगर आपको नहीं आएगा घबराने की कोई बात नहीं, आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं जितना आपको आएगा। मैं चाहती हूँ कि इतना अच्छा चैप्टर पढ़ाने के बाद आप ये सब चीजें खुद से करके देखें, आपको भी पता लगेगा हमें चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आए। ट्रू फॉल्स आपको खुद करना है, ट्रू फॉल्स मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको खुद ही पढ़ के खुद ही समझ जाए। चलते हैं क्वेश्चन आंसर, आपको चैप्टर पढ़ाते हुए सारे कवर करा दिए। हाँ, जो ये वाले क्वेश्चन आंसर है ये आपको बुक में करना है, और ये आपका एक फन एक्टिविटी टाइम है। यहाँ माउस से आपको ढूंढते 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 खुद स्क्रीन तक पहुंचना है। और ये देखिए, दिया परचेज अ कीबोर्ड, दिया ने एक कीबोर्ड खरीदा है, बट शी डज नॉट नो हाउ अबाउट द कीज, कीज के बारे में उसे कुछ नहीं पता है, तो आपको हेल्प करना है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने सारी कीज पढ़ाई है। ये देखिए, ये एरो है, अभी आपको शायद नहीं दिख रहा, आप अपनी बुक में देखेंगे आपको पता लग जाएगा किस की बात हुई है। हमने सारी कीज पढ़ी थी, कहां पर, यहां पर पढ़ी थी, कौन सी अल्फाबेटिकल की है, कौन सी न्यूमेरिकल है, पंक्चुएशन, फंक्शन, एरो, सिंबल, स्पेशल की, तो यही इन कीज के बारे में पूछा है, तो आपको ये सारा खुद लिखना है। तो यही पर आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है।